आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एलिया नबी के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलिया नबी जो गिलात नगर से आया था, उसने इसराइल में राजा आहाब और रानी इजेबेल के समय में अकाल की भविष्यवाणी की थी। बाइबल ऐसा दर्शाती है कि एलिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तथा हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया का अर्थ ही है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया यहोवा परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने राजा आहाब से कहा कि इसराइल का परमेश्वर जो जीवित है, उसके जीवन की शपथ कि मेरे कहे यहाँ मेहन नहीं बरसेगा। फिर एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वह यर्दन के पूर्व में छिप जाए तथा वहीं के नाले का पानी पिए। और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खाना खिलाए। और यहोवा का यह वचन सुनकर वो वहाँ चला गया तथा रोज सवेरे कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा। वह अपनी प्रजा के लिए किसी के भी द्वारा प्रबंध कर सकता है, चाहे वह कोई पक्षी ही क्यों ना हो। इसलिए हमें भी सदा उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। आगे हम देखते हैं कि उस देश में वर्षा ना होने के कारण वहाँ का नाला सूख गया, जिससे एलिया नबी पानी पिया करता था। तब यहोवा ने उसे सारपत नगर में जाने को कहा तथा यह भी कहा कि वहाँ एक विधवा स्त्री को मैंने तेरे लिए भोजन खिलाने की आज्ञा दे दी है। तब वह वहाँ उस नगर को गया और वहाँ जाकर वह उस विधवा स्त्री से मिला और उसने उस विधवा स्त्री से पानी पिलाने को कहा तथा यह भी कहा कि वह उसके लिए पानी के साथ साथ रोटी भी ले आए। इस पर उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा कि मेरे पास एक भी रोटियां नहीं हैं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा तथा एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही है। और उसने यह भी कहा कि मैं तो इसी को अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी तथा हम यही खाकर मर जाएंगे। तब एलिया ने कहा कि मत डर, वैसा ही कर जैसे मैंने तुझसे कहा है। क्योंकि एलिया परमेश्वर पर विश्वास करता था, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर कहता है कि जब तक भूमि पर मेह न बरसे तब तक तेरे घड़े का मैदा तथा कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। प्रियो, ये सारी बातें एलिया ने उस विधवा स्त्री से कहा और जैसे एलिया ने उस विधवा स्त्री से कहा वैसे ही हुआ भी। उसका घराना और वह स्त्री कई वर्षों तक भोजन खाते रहे। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी घटी कमी में हमारी सुधि लेता है। वह अपने लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है। वह हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, जैसा उसने एलिया नबी को उस विधवा स्त्री के घर में भेजा। आगे हम देखते हैं प्रियो कि कुछ समय के पश्चात उस विधवा स्त्री का बेटा रोगी होकर मर गया। तब उसने एलिया से कहा कि तू परमेश्वर का जन मेरे यहाँ आया तो है, परंतु मेरा बेटा क्यों मरा? क्या तेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ भेजा है? तब एलिया ने उससे कहा कि अपने बेटे को मुझे दे। तब उसने उसके बेटे को अटारी पर लेटाकर यहोवा को पुकारा तथा उसकी दुहाइयाँ दी और कहा कि तू मुझे यहाँ लेकर आया है तो इस विधवा के बेटे का प्राण वापस कर, जिससे कि यह बेटा अपनी माँ का सहारा बना रहे। इसके बाद एलिया उस लड़के पर पसर गया और वह लड़का जीवित हो गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह स्त्री आनंदित हुई और उसने एलिया को धन्यवाद दिया और कहा निश्चय तेरा परमेश्वर सच्चा है। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह आहाब राजा के पास जाए, तब वह वहाँ का अकाल खत्म कर वहाँ पर मेह बरसा देगा। जब एलिया आहाब के पास गया और आहाब ने एलिया को देखा और कहा तो फिर हमें सताने के लिए आ गया? क्योंकि प्रियो,
अहाब राजा एलिया नबी से पहले से ही दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि एलिया ने अकाल की भविष्यवाणी की थी। तो राजा को ऐसा ही लगता था कि एलिया नबी की भविष्यवाणी की वजह से ही वहां अकाल पड़ा है। लेकिन एलिया ने अहाब राजा से कहा कि तेरे ही कारण यह अकाल पड़ा है, मेरे कारण नहीं, क्योंकि तुम लोग ही यहोवा के विरुद्ध बाल देवता को पूजते हो। आज तुम एक वेदी बनाओ और बाल देवता के पुजारियों को बुलवा के आग जला के दिखाओ। यदि स्वर्ग से तुम्हारे कारण आग उतरी तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, और यदि मेरी प्रार्थना की आग उतरी तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। यह कह के एलिया नबी ने अहाब राजा को और वहां खड़े बाल के पुजारियों को चुनौती दी, क्योंकि एलिया का विश्वास अपने परमेश्वर पर दृढ़ था। तब अहाब ने इज़राइल के बाल देवता के पुजारियों को बुलवाया तथा उन्होंने एक बछड़ा लिया और वेदी तैयार कर बछड़े को उस पर रख दिया तथा अपने देवता मतलब बाल देवता को पुकारने लगे, आग गिरने के लिए उसकी दुहाई देने लगे, और ढोल नगाड़े के साथ सब चीक कर वह अपने बाल देवता को पुकारने लगे और बोलते रहे कि हे देवता आग बरसा, हे देवता आग बरसा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल के पुजारी 450 थे और एलिया अकेला था, क्योंकि उसके साथ जीवित परमेश्वर था, इसलिए उसमें भय की आत्मा नहीं थी। जब वह पुजारी खूब शोर मचा चुके तथा उनके देवता ने एक ना सुनी तो एलिया ने उनका ठट्टा उड़ाया तथा उनका मजाक बनाया और कहा कि और शोर मचाओ और चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता सो रहा है, या ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाओ, शायद वह सुन नहीं सकता। तब यह सब कहने के पश्चात एलिया ने उन सभी लोगों से कहा, यहाँ मेरे पास आओ। फिर एलिया ने यहोवा की एक वेदी तैयार की और उस पर पत्थर रखे तथा लकड़ियाँ रखी, और उसने उन पुजारियों के सामने उस वेदी पर 3 बार पानी भी डाला और कहा कि यह सब देख लो कि लकड़ियाँ गीली है, जिससे उनके मन में कुछ संदेह ना रहे, तथा उन्होंने वहाँ यह सब होते हुए देखा। तब एलिया घुटने के बल आकर अपने परमेश्वर को यह कहकर पुकारने लगा कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि तू ही सच्चा इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। इसी तरह प्रियो उसने प्रार्थना की। तब एकाएक आकाश से बड़ी आग प्रकट हुई और उस वेदी पर आ ठहरी तथा वह वेदी यहोवा की आग से जल उठी। यह देखकर सबका मुंह खुला के खुला रह गया तथा वह सब भी अपने घुटनों पर आकर एलिया के परमेश्वर को दंडवत करने लगे और कहने लगे कि तेरा ही परमेश्वर सच्चा है। यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक काम था जो यहोवा ने उन झूठे पुजारियों के सामने प्रकट किया था। तब एलिया ने कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ लो और उनमें से कोई भी बचने ना पाए। अतः लोगों ने बाल के पुजारियों को पकड़ा और उन्हें किशोन नाले तक ले जाकर वहां उन सभी बाल के पुजारियों को मार डाला। तथा इसके बाद एलिया ने अहाब से कहा, अब जाओ खाओ और पियो, एक घनघोर वर्षा आ रही है। तब एलिया कर्मेल पर्वत पर प्रार्थना करने लगा और वहाँ पर उसे एक छोटा बादल दिखाई दिया, जिसके बाद उसने राजा से कहा कि यहाँ से जाओ, नहीं तो वर्षा के कारण नहीं जा पाओगे। इस तरह जो अकाल इज़राइल पर था वो अकाल भी यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर जब राजा अहाब अपने महल में पहुँचा तो उसने रानी इजेबेल को वो सब जो एलिया ने बाल के पुजारियों के साथ किया था बता दिया। रानी यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि रानी बाल के पुजारियों को बहुत मानती थी और उसने एलिया से पहले भी यहोवा के कई नबियों को मरवा डाला था। तब वे बोली कि बाल देवता की शपथ, मैं इस एलिया को आज ही मरवा डालूंगी। और जब यह संदेश एलिया के पास पहुंचाया गया तो वह अपनी जान बचाने को होरेत पर्वत की ओर निकल पड़ा तथा
वहां वह चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा और वह पेड़ के नीचे थक कर विश्राम करने लगा और कहने लगा कि हे परमेश्वर, अब तू मेरे प्राण ले ले। परंतु हम देखते हैं प्रियो कि वहां परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने उसको पानी पिलाया तथा कुछ खाने को दिया और कहा कि एलिया आगे बढ़, क्योंकि यहोवा को एलिया से अभी और भी काम लेना था। तब वह परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनकर होरेब पर्वत पर पहुंचा। ये वही पर्वत था प्रियो जहां अब्राहम ने इसहाक को बलि करने के लिए लाया था। जब एलिया उस पर्वत पर पहुंचा तो वहां एक गुफा थी और एलिया नबी उस गुफा में जाकर छिप गया। तब अचानक उस गुफा में भूकंप आया तथा आग जलने लगी। तब एलिया घबरा गया तथा गुफा के फाटकों के बाहर आ गया। तब यहोवा की यह वाणी एलिया के पास पहुंची कि तू यहाँ क्या करता है, तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्यों छिपा बैठा है, उठ और दमिश्क को जा तथा वहाँ अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलिशा को अभिषेक कर। तब एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वहाँ से दमिश्क को गया तथा वहाँ उसने एलिशा को देखा जो बैल लिए हुए उससे मिला तथा वहाँ एलिया ने अपनी चादर एलिशा को उड़ाई तथा एलिशा का वहाँ एलिया ने अभिषेक किया। तत्पश्चात इन सभी कार्यों के बाद एलिया ने एलिशा से कहा, जो तुझे मुझसे चाहिए वह मांग ले। तब एलिशा ने एलिया से कहा, जो उत्तम आत्मा तुझ में है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तब वैसा ही हुआ, एलिया की अभिषिक्त आत्मा का वरदान एलिशा को मिला। और जब वहाँ वह दोनों बातें कर ही रहे थे तब अचानक स्वर्ग से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बहुत ही बवंडर के साथ होकर स्वर्ग पर ऊंचे पर चढ़ गया और एलिशा उसे देखता रहा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, एलिया नबी जिंदा स्वर्ग में उठाया गया तथा उसका अभिषेक एलिशा पर आ ठहरा, जिसे आज हम रैप्चर कहते हैं। वही रैप्चर पुराने नियम में एलिया का हुआ था। प्रियो, इस पूरी कहानी में हमें यह सीखना है कि एलिया में परमेश्वर की विश्वास योग्यता तथा प्रार्थना की आत्मा थी तथा वह एक परमेश्वर का अभिषेक दास था। तो हमें भी अपने भीतर विश्वास की आत्मा को दृढ़ करना है तथा प्रार्थना करनी है, तब हम भी परमेश्वर की अभिषिक्त दास बन सकते हैं तथा परमेश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर सकता है, जैसा उसने एलिया नबी के द्वारा किया। क्योंकि प्रियो, बाइबल दर्शाती है, याकूब के 5:17 वचन में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा, तब भी परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत कार्य किया। हम भी परमेश्वर के एक दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और प्रार्थना में अभिषेक को मांगते हैं तो वह हमारे द्वारा भी बड़े बड़े कार्य करता है। तो प्रियो, हमें भी परमेश्वर से उसकी महिमा के लिए प्रार्थना करनी है। भाइयों बहनों, एलिया एक सामर्थ्य से भरा हुआ निडर और साहसी प्रभु का दास था। वह प्रभु परमेश्वर की बातों को दृढ़ता के साथ लोगों तक पहुंचाता था। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं हटा। यहाँ तक जब उसके प्रजा खतरे में थे तब वह भी परमेश्वर की ही बातों को महत्व देता था। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रभु को महत्व देना है, उसके कामों को प्राथमिकता देना है और वही करना है जो प्रभु हमें करने के लिए कहते हैं, फिर चाहे उसके लिए हमें जोखिम और कठिनाइयां उठानी पड़े। ध्यान रहे भाई और बहनों, एलिया के जीवन में मुश्किलें काफ़ी आई, लेकिन परमेश्वर पर उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। साथ ही परमेश्वर ने भी हर समय उसका साथ दिया। जब हम भी प्रभु की योजना को अपने जीवन पर पूरा करते हैं तो वह उस कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाली सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमारी अगुवाई करता है
और हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। आशा करती हूँ प्रियो कि आप सबों को एलिया नबी की ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, ताकि हमारे चैनल के हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप सबको जय मसीह की।